पार्टी की पूर्व वैभवं తీసుకువచ్చేందుకు ప్రతి కార్యకర్త సైనికుడిలా పనిచేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సాజిద్ ఖాన్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ నెల 7న నూతనంగా నియమితులైన టీపీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారాన్ని పురస్కరించుకుని ఏర్పాట్లను జిల్లా నుండి నాయకులు తరలింపు తదితర విషయాలను జిల్లా కేంద్రంలోని మాజీ మంత్రి సిఆర్ఆర్ నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చేలా ప్రతి కార్యకర్త నిరంతరం ప్రజా పోరాటాల ముందుండాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దిగంబర్ పాటిల్, కళ్యాణం రాజేశ్వర్, రామ్దాస్, ముబారక్ వామన్, షేక్ మహమ్మద్, మహేందర్, చరణ్ గౌడ్, ఆరాఫత్ రాజు, మల్లేష్, చంద్రల, రాహుల్, విజయ్, పలు మండలాల నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. मैं पूरे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के 18 मंडल के कांग्रेस के लीडर्स और आदिलाबाद के म्यूनसिपाल्टी के पूरे लीडर्स, कॉन्टेस्टेड काउंसलर्स, एक्स काउंसलर्स, प्रेजिडेंट काउंसलर्स और जितने भी कांग्रेस के मेन लीडर्स हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हों दो, मंडल प्रेसिडेंट हों दो, वर्किंग प्रेजिडेंट्स हों दो, सरपंच, MPTC, एक्स हों दो, प्रेजिडेंट हों दो, कॉन्टेस्टेड हों दो, पूरा कांग्रेस का कुटुंब, कांग्रेस की फैमिली जितनी है, पूरी मैं कांग्रेस की फैमिली को एक इनविटेशन और एक दावत देना चाहता हूँ. 7 तारीख के दिन हैदराबाद के अंदर गांधी भवन में 1 बजे ओथ सेरेमनी है हमारे रेवंत रेड्डी, टाइगर रेवंत रेड्डी साहब का. आप जितने भी लोग आना चाह रहे, गाड़ियों का, खाने का, आने का, जाने का इंतज़ाम आदिलाबाद DCC कमेटी की तरफ से किया जा रहा है और सोनिया मैडम का, उसी तरीके से राहुल गांधी जी का, श्रीनिवासा कृष्णम जी का, मानिक ठाकुर जी का, बोस राजू साहब का और जितने भी कांग्रेस के, KC वेणुगोपाल साहब का, जितने भी कांग्रेस के मेन लीडर्स हैं, उन सबका मैं आदिलाबाद कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. जिस तरीके से मैडम, कई नौजवान बच्चे, कई स्टूडेंट्स, कई किसान, कई बच्चियाँ आत्महत्या करके तेलंगाना के लिए कुर्बानी दे रहे थे, उस टाइम पर सोनिया गांधी मैडम ने तेलंगाना और आंध्र की हुकूमत की कुर्बानी, MPs की, MLAs की कुर्बानी देकर तेलंगाना दिया. आज फिर कई लोग कांग्रेस में नाराज होने के बावजूद भी आज पब्लिक की और कार्यकर्ताओं की बात सुनकर हर महल में, हर वार्ड में, हर गांव में, हर मंडल हेडक्वार्टर पर रेवंत रेड्डी साहब को कांग्रेस का PCC प्रेसिडेंट बनाए तो कांग्रेस पार्टी अच्छा होता, जोश आता, कांग्रेस पार्टी इख्तदार में आती, कांग्रेस पार्टी का CM बनता, बल्कि आम आदमी की, छोटे से छोटे आदमी की, अदर देन कांग्रेस के लोगों की भी एक टास्क था. वो बात को जहन में रख के कांग्रेस पार्टी, सोनिया मैडम बहुत बड़ा एक अच्छा डिसीजन लिए रेवंत रेड्डी साहब को PCC प्रेसिडेंट बनाकर. उसी तरीके से रेवंत रेड्डी साहब पर्सनली बुला के बोले, जितने लोग आना चाह रहे कांग्रेस के फैमिली के लोग, साजिद भाई सबको इन्वाइट करो, सबको लेके आओ, किसी को नाराज मत करो, पर्सनली एक एक आदमी से मिलता हूँ बोले. और सेरेमनी होने के बाद शाम तक वहीं बैठ के सबसे मैं बात करता हूँ बोले. फिर एक बार आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को भी आता हूँ और एक बार भी आप लोगों को बुला के पर्सनली मैं मीटिंग लेके आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है बोल के बोले. इसी तरीके से रेवंत रेड्डी साहब परसों मीटिंग लेके एक ही बात बोले, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ DCC प्रेसिडेंट्स के साथ सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेन पार्टी की जो हमारी फैमिली है, कुटुंबम है, मेन पिलर से सारे लोग मेरे को मदद करें तो हम ये जो पिटल दौरा है KCR, इससे हमको लड़ने की जरूरत है. और वो झूठा जो मोदी है, इससे लड़के जो सो जो तेलंगाना सोनिया गांधी जिसलिए तेलंगाना दी, जिसलिए तेलंगाना हमारे बच्चों के लिए दिए और एम्प्लॉयमेंट आता बोल के दिए, हमारा पानी हमको आता, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलता बोल के दिए, वो कास्ट KCR पूरा उसको अपोजिट किया. तो फिर एक बार सोनिया मैडम को इख्तदार में लाकर आप तेलंगाना दिए, गलत नहीं करे, हमारे बच्चे मर जा रहे थे, खुदकुशी कर रहे थे बोल के दिए, लेकिन फिर हम आपको ये गिफ्ट के तौर पे देंगे बोल के बोले. और दो साल तक खासतौर DCCs को बोले और जाकर कांग्रेस पार्टी के जितने लीडर्स हैं उनको बोले कि 2 साल तक अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी माँ को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को 2 साल हमको कांग्रेस के लिए दियो, तेलंगाना स्टेट के लिए दियो और इस देश के लिए दियो, ताकि ये पिट्टल दौरा और ये चोरों की हुकूमत ख़त्म कर कर आम आदमी को कम रेट में पेट्रोल मिल सके, आम आदमी को कम रेट में राशन मिल सके, आम आदमी को जो सो ये गाड़ियों के चालान नहीं लग सके, आम आदमी को टैक्स कम हो सके, आम आदमी को जो सो करंट के चार्जेस कम हो सके, आम आदमी की सहूलत के लिए और कई नौकरियां मिल सके,
और जिस तरीके से अपने बेटा बेटी दामाद को मिनिस्टर्स और एमएलसी और राज्यसभा बनाया, ये लोगों को सबक सिखाने के लिए 2 साल